गुड इवनिंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो पूरी तरह से हमारा जो गरबा स्पेशल है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज हम लोग अभी चल पड़े हैं गरबा के लिए, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले से ही पास लेके रखा हुआ था, यहाँ पे उसका कॉपी निकलवाने का सिस्टम है, वो निकलवाने के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगा। तो हमारा हो गया, अब हम एंट्री कर चुके हैं और इतनी एक्साइटेड हूँ मैं कि मतलब बाहर से ही इतना अच्छा साउंड और गाना और हल्ला सुनाई दे रहा है कि लग रहा है कि अंदर जाके कब गरबा शुरू करे और कब अंदर का झलक मिले। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हड़बड़ी है। तो चलो हम लोग आ गए हैं गरबा में और देखिए यहाँ पे बहुत 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 मस्ती हो रहा है। इतना हल्ला, इतना अच्छा बैंड, इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छा डेकोरेशन कि हम लोग तो फिदा ही हो गए एंट्री करते ही। तो अभी आप लोग भी देखिए कि यहाँ पे पूरा ड्रेस कोड वाला जो सामने है, ये पूरा ड्रेस कोड वाला गरबा चल रहा है। फिर इसके पीछे जो है, इसके बाजू में ही वो खतरनाक हमारे टाइप वाला जो गरबा स्पेशल है वो वाला डांस हो रहा है। तो यहाँ पे तो जो ड्रेस कोड है वो हो रहा है, इसके बगल में देखिए अभी कैसा होने वाला है। यहाँ पे हम लोग डांस करने वाले हैं। इधर अंदर की तरफ भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पे पूरा खाने का अरेंजमेंट है। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले पेट पूजा हो जाए, उसके बाद डांडिया गरबा जो भी है उसके बाद जम के डांस करेंगे, जम के मस्ती करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे खाने के लिए आ गए हैं और खाने के आइटम्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत छोले भटूरे से ले के पास्ता से ले के हर एक स्वीट वाला आइटम से लेके हर एक कुछ यहाँ पे था आपकी मर्ज़ी। और हम लोग तो यहाँ पे पहले मस्त मस्त आइटम्स पूरा खा लिए, उसके बाद हम लोग गरबा के लिए निकले। तो चलिए आगे देखिए क्या क्या खा रहे हैं हम लोग। खाने के पहले यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लड़कियों का है, फ़ोटो एंड वीडियो, तो वो पहले हो जाए उसके बाद खाएंगे। तो हम लोग पहले फ़ोटोज़ ले ले रहे, वीडियोज़ ले ले रहे, उसके बाद खाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पाव भाजी खाया, उस सपना का एक्सप्रेशन देखिए, सुपर टेस्ट था। और यहाँ पे अंबे माता की पूजा हुई है तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लिया और रक्षाबंधन बंधवाया यहाँ पे भगवान के पास। और प्रसाद भी बहुत टेस्टी था, जिसको जितना मर्जी, वो पंडित जी देते जा रहे थे जिसको जितना मर्जी। हाँ,
यहाँ पे गरबा शुरू होने के पहले अपना अपना प्लेस थोड़ा थोड़ा रिजर्व कर लेना है, क्योंकि गरबा के लिए थोड़ा प्लेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हाथ पैर सब घुमाना पड़ता है। तो सब लोग अपने अपने जगह पे देखिए बैठ के, वहाँ पे ऐसा जस्ट लाइक अ रिजर्वेशन वैसा कर लिए हैं। और उसके बाद शुरू होता है यहाँ पे गरबा। और मतलब हम लोग तो यहाँ पे फुल जमा दिए, हमारा जो एक 4-5 का लेडीज़ का ग्रुप था वो तो पूरा 4 चांद लगा दिए हम लोगों ने यहाँ पे। अभी आगे आगे देखिए, बहुत मस्ती हुआ था यहाँ पे। तो डांडिया का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। अगर मैं पूरा डांडिया का वीडियोस दिखाऊँ तो फिर मैं डांस कब करूँ।